इंक्रीमेंट हुआ 18 का, यही है ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक और यूनिट बढ़ाया लेबर का 4, तो टोटल प्रोडक्शन 56 हो गया, एवरेज कितना हो गया 40। मतलब अभी भी एवरेज जो एवरेज प्रोडक्शन जो है, मतलब टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर, यहाँ पर आकर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मैं समझाता हूँ ये क्या है, इकोनॉमी सब्जेक्ट है, डोंट टेक इट अदरवाइज, कुछ दूसरा नहीं समझ लेना आप, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही समझना। इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है। पहले एक टीचर रखा हमने, ठीक है, उसको हमने सोचा कि ये एक टीचर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमको लगा कि चलो एक काम करते हैं, स्पेसिफिक एरियाज रिमार्क कर देते हैं, जो जिसका स्पेशलाइज एरिया है वो पढ़ा लेगा। ठीक है, तो हमने दो टीचर रख लिए, ये दो टीचर रख लिए। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली, ठीक है, बेटर क्लैरिटी मिली। फिर सोचा एक और टीचर बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है मल्टी टीचर्स से। एक टीचर और बढ़ाया, प्रोडक्शन कितना हो गया, बढ़ गया। ये एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इफिशियंसी बढ़ रही है। एवरेज प्रोडक्शन घटने लगेगा मतलब इफिशियंसी घटने लगेगी, है ना। एक लेबर अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा लेबर ऐड करके अगर 10 ही यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इफिशियंसी सेम है। दूसरा क्या है, ये मोदी जी ने कहा ना ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसमें क्या आना चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा 2AB है ना, समझ रहे हो। तो दूसरा जब लेबर हमने ऐड किया तो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली नहीं, और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये ज़्यादा बढ़ा ना, एक लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो दो लेबर 24 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बढ़ा है ना प्रोपोर्शन। ठीक, तीसरे में भी बढ़ा। ये आपको कैसे पता चल रहा है, एवरेज प्रोडक्शन से। देखो एवरेज प्रोडक्शन 10 था, मतलब पर लेबर कितना प्रोडक्शन है, 10 यूनिट्स, पर लेबर कितना प्रोडक्शन है, 12 यूनिट्स, बढ़ रहा है ना, ये 14, अब आके कांस्टेंट हो गया। अब क्या हुआ, जब चौथा टीचर रख लिए तो चारों टीचर ने आपस में डिस्कस किया कि जीडीपी आप पढ़ाओगे, फिर बजट में उन्होंने बोला जीडीपी बजट के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब क्या हो रहा है कि इफिशियंसी घट रही है, ओवरलैपिंग शुरू हो गया, इफिशियंसी घट रही है। ये इफिशियंसी कांस्टेंट हो गई, ये घटना शुरू हो गई, चार टीचर पांच टीचर। ठीक है, जैसे हमने छठा टीचर रखा, सबने एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर दिया, ये आप पढ़ा दोगे, नहीं ये तो टॉपिक उनको पढ़ाना था, ये मेरा टॉपिक नहीं था, समझ रहे हो। ये कैसा हो गया, एक केओस क्रिएट हो गया और इफिशियंसी घट गई। केओस होने दो, कुछ भी होने दो, नुकसान नहीं होना चाहिए। केओस होने से यहाँ क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, टॉपिक्स इफिशियंटली डेल्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। इससे तो बढ़िया एक ही टीचर था, कम से कम एवरेज प्रोडक्शन 10 तो था, यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। तो जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जाओगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो क्या होगा, आपकी इफिशियंसी घटने लग जाएगी। यही सोच के देखो, 10 बैच चल रहे हैं तो वहाँ 20 टीचर रख लो, लेकिन एक बैच चल रहा है और आपने उसी बैच को एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 8 टीचर रख लिया, तो आपका इफिशियंसी नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। समझ में आई बात, बस यही है। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, यहाँ बढ़ी, ठीक है, कॉन्स्टेंट कहाँ होगी, ये 14 तक बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ सॉरी 18 तक, फिर ये 14 कांस्टेंट हो गया, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये तीनों बढ़ा, ठीक है ना। एवरेज प्रोडक्शन ये बढ़ा, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 14 और यहाँ से घटने लगा और यहाँ तो निगेटिव ही हो गया। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि आपने इनपुट बढ़ाया लेकिन आउटपुट बढ़ने के बजाय घट गया। ठीक है, तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कहाँ तक, ये 14 तक, ठीक है। फिर ये दो स्टेज में कांस्टेंट हो गया है, ये अभी घट रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है, और यहाँ पर तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। आई बात समझ, तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये समझना है सिर्फ आपको कि ये तब होगा जब प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई होती तो ये नहीं होता। एग्जाम्पल इसी का हम दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और यूटिलिटी में कंजम्पशन की बात करेंगे। तो एग्जांपल समझ के देखो, जो मैंने आपको बताया, रिपीटेटिव लगेगा आपको, काफ़ी रिपीटेटिव, लेकिन चलो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया,
आपको चॉकलेट खाने का मन है, तो एक चॉकलेट खाया आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो भी अच्छा लगा, तीसरा खाया तो थोड़ा कम अच्छा लगा, चौथा खाया तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है, पाँचवा खाया तो सब बर्बाद हो गया, छठा खाया सब बर्बाद है ना। अब इसी में ये समझ लो कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती इन द सेंस अगर तीन लोग हो जाते तो फिर 10 चॉकलेट भी खत्म हो जाती। आ रहे समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई ना, मतलब यहाँ यूटिलाइजेशन कैपेसिटी होगी कि यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ गई, चार लोग हो गए, एक आदमी पांच चॉकलेट से ज़्यादा नहीं खा सकता लेकिन चार लोग खा सकते हैं, 20 चॉकलेट खा लेंगे। क्लियर है? यही है बस, और कुछ नहीं है, ये हो गया। अब एक इसमें और कॉन्सेप्ट है, वो नोट्स में नहीं लिखा है, वो आपको लिखना है तो मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा। हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाद में लिखना, बाद में टाइम मिलेगा, तुरंत प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका ये मतलब है, देखो आपने क्या पढ़ा, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, ठीक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बोलता है, प्राइस, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या जितने परसेंटेज से डिमांड, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हुआ है, हमेशा ये जो डिनोमिनेटर में होगा ये हमेशा कॉज होगा, और न्यूमरेटर में ये होगा ये हमेशा इफेक्ट होगा। कॉज इफेक्ट समझते हो ना आप? है ना, तो जो डिनोमिनेटर में है वो कॉज है, जो न्यूमरेटर में है वो उसका इफेक्ट है, रिजल्ट है, ठीक है, ये प्रिपरेशन, ये मार्क्स है। परसेंटेज चेंज को मैं प्रोपोर्शन चेंज भी बोल सकता हूँ, किस प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू वन, जो पहले क्वांटिटी थी, जैसे आपने प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा ना, तो क्वांटिटी, तो पहले कितनी अभी जो नई क्वांटिटी है वो क्या है, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हो ना, सी सेट ऐसे ही होता परसेंटेज, ठीक है, इसी तरह प्राइस जो चेंज हुआ है तो पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी वन, ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला बन गया, ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या है। स्कूल यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म याद होगा आपको बचपन में, मान लो स्कूल यूनिफॉर्म का प्राइस बहुत कम हो गया, 200 रुपीज का एक सेट आ रहा है, एक यूनिट आ रहा है पूरा स्कूल यूनिफॉर्म का, तो आप कितने यूनिफॉर्म खरीदोगे, दो खरीदोगे ना, दो तो खरीदोगे। अब स्कूल यूनिफॉर्म 20 रुपए में मिल रहा है, कितने यूनिफॉर्म खरीदोगे, मैक्सिमम तीन। प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है लेकिन आपकी डिमांड ड्रास्टिकली नहीं बढ़ी है, अरे बात समझ नहीं आ रहा, स्कूल यूनिफॉर्म क्या करोगे, 10 यूनिफॉर्म है ना, तो प्राइस अगर करोगे 10 रुपए भी हो गए तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे, तीन, क्योंकि डिमांड क्या है, डिमांड सिर्फ डिजायर नहीं है खरीदने की, डिमांड ये है कि यू आर विलिंग टू पे, विलिंग टू पे नहीं होता तब तो आप 10 यूनिफॉर्म ले आते, या विलिंग टू पे, तो प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस होने के बाद भी क्या हुआ, आपकी डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुई, आ रही है बात समझ में, मतलब ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ उसके बाद भी ये रिड्यूस नहीं हुआ, यही बात है ना, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, प्राइस में चेंज, ये ग्रेटर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही बात हो गई, गुड। अच्छा इसी तरह आप समझ लो, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लग्जरी क्लोथ्स ब्रांड कोई बहुत बड़ा, जो भी आप बड़ा ब्रांड इमेजिन कर सकते हो, एक लग्जरी क्लोथ कोई, जैसे ही उस पर थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ, 20% डिस्काउंट, सेल बढ़ गई, सेल 50% से बढ़ गई, तो इसमें क्या है, चेंज इन प्राइस कम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ चीज़ें जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे फूड आइटम्स, अब राइस है, आपकी राइस खाने की कैपेसिटी कितनी है,
पर मंथ 5 kg तो मिल ही रहा है पर पर्सन, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट PDS से मिलता है ना। अच्छा आप लोग तो यहाँ रह रहे हो PDS, उसमें क्या है कि कांस्टेंट है, उसमें वो कितना भी प्राइस चेंज हो जाएगा फूड की जो क्वांटिटी है वो मोर और लेस सेम रहेगी। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है ये हो गया इलास्टिक, ठीक है, सॉरी ये हो गया इनइलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड पे बहुत माइनर सा फर्क पड़ रहा है, तो ये हो गया इनइलास्टिक, ये हो गया इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ना। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब आप किसी भी प्राइस पे सेम क्वांटिटी डिमांड करे जा रहे हो, ठीक है। फिर एक है कि प्राइस कितना भी बढ़ जाने दो, क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए उतनी, तो वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बहुत एक्सेप्शन एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो, उसके बाद कॉपी करना। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वैसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकता है। भाई चेंज इन इनकम ना, यही फॉर्मूले में क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह क्या हो सकता है, क्रॉस इलास्टिसिटी हो सकता है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा भाई, क्रॉस इलास्टिसिटी होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। याद है आपको टी और कॉफी, तो टी की प्राइस कम होने से कॉफी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो ये तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो ये है वही सप्लाई के लिए भी होगा, ठीक है, लिख लो। क्लियर हो गया, ये लिख लो जल्दी से क्वेश्चंस का।
इसमें ग्राफ देख लो कैसे चेंज होगा। अगर इन इलास्टिक है तो डिमांड कर्व ये है ना इलास्टिक, स्टीप होगा यहाँ पर, फ्लैट होगा, ठीक है ऐसे, और जो आइडियल कंडीशन डिस्कस की परफेक्टली इलास्टिक में ऐसे होगा और परफेक्टली इन इलास्टिक में ऐसे होगा। एक्स और वाई एक्सिस पता है ना, तो वाई एक्सिस प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये फ्लैट थोड़ा सा ऐसा है, देखो हाँ ये इलास्टिक स्टीप समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। उल्टा बता दिया मैंने, इन इलास्टिक में स्टीप है, देखो मैं बताता हूं कैसे समझना है, अगर गड़बड़ हो गई नहीं समझ में आ रहा है तो, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये प्राइस है, चेंज क्या हो रहा है, अगर स्टीप है तो चेंज रैपिडली क्या चेंज हो रहा है, प्राइस, ये है ना प्राइस, ये रैपिडली चेंज हो रहा है ना, और क्वांटिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही, तो क्वांटिटी नहीं चेंज होती है, ये किसकी एग्जांपल है, इन इलास्टिक की, तो ये इन इलास्टिक हो गया, ठीक है। और इलास्टिक में क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज ज्यादा क्वांटिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, ये क्वांटिटी है, प्राइस चेंज कम है लेकिन क्वांटिटी चेंज ज्यादा है, ठीक है, और इसको थोड़ा फ्लैट बना सकते, और अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, 10% प्राइस चेंज 10% क्वांटिटी चेंज, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टेंशन मत लो, ऐसा ग्राफ है एक्सपोनेंशियल डीके, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो है ये, ठीक है। ये कब है, जब चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, एग्जैक्टली इक्वल परसेंटेज, ठीक है। अब देखते हैं कितना नोट्स पढ़ा है आपने, इसको लिख लेना, ये परफेक्टली इलास्टिक, ये परफेक्टली इन इलास्टिक, किसी भी प्राइस पे आपकी क्वांटिटी है, डिमांड की है, और यहां पर एक फिक्स प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी कितनी भी डिमांड कर पा रहे हो, और यहां पर क्या है, क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है मतलब इन इलास्टिक हो गया ना, क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या हो गया, परफेक्टली ठीक है। तो सप्लाई में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये सारा सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कोई चीज़ परफेक्टली, कोई चीज़ इलास्टिक है, कोई चीज़ इन इलास्टिक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर पता चलेगा कितना समझना है, हो गया, ये हटा दो, कहाँ से हटेगा,
पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं। वार्म अप क्वेश्चंस है, वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मेन क्वेश्चंस। नहीं तो ऐसे ही मत समझना, बहुत आसान है। ठीक है, सब बिल्कुल फ्रेश है, आज का तैयार किया हुआ बिल्कुल फ्रेश। चलो क्वेश्चंस पढ़ना है, आंसर करना है, पढ़ो और आंसर करो। ये कैसा आ गया? ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इशू रिलेटिंग टू। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक, वेल टू प्रोड्यूस। अच्छा, ए एंड बी। ठीक है ठीक है ठीक है, नींद में होता है। चलो ये होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब है? जब आपके पास दो ऑप्शन है, नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तब तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है ना। अगर एक ही चीज है, मेरे पास एक ही काम है कि मैं यहाँ टीच ही कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है? आ रहा है समझ? दो ऑप्शन होंगे जब ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट को सैक्रिफाइस कर रहे हो, यह आया ना समझ में? हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव, दोनों है ये। ठीक है, ये आ रहा है ना समझ में? सिंपल क्वेश्चन है ना, गुड। ये हो गया, ये आया समझ में? सिलेक्ट एक करोगे लेकिन दूसरे को सैक्रिफाइस करके, तब आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि बाकी सब क्या है, एग्रीगेट्स हैं, और वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। चलो बढ़िया, अब करो क्वेश्चंस। ठीक है, देख लो बाकी लोग, सबको आ रहे हैं आंसर। Usage of advanced technology in an economy will allow attainment of points on the PPC. On the PPC के लिए technology improve होने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने resources हैं उनसे ही PPC achieve हो जाएगा। ठीक है, C हो जाएगा सब। ठीक है, ये आंसर C है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी तक मैं मेंबर नहीं बनाऊंगा। Production possibility curve is a graph that shows all of the different combination of output that can be produced given current resources and technology. Usage of advanced technology will allow attainment of points beyond the PPC. Simple explanation, simple words. Question aa gaya samajh mein? Chalo, second. The demand for which of the following goods would increase with increase in income of a consumer? D लग रहा आपको?
देखो राइस जो है वो नॉर्मल गुड है, ठीक है, तो राइस नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है। बाजरा क्या है, गिफन गुड हो गया है ना, थोड़ा उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी तो जो हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें चल रही हैं उसमें तो बाजरा को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अभी जो नॉर्मल परसेप्शन लेके चल रहे हैं वो क्या है, बाजरा इन्फीरियर है। और लग्जरी गुड तो जैसे ही आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी देखो फिर क्या होता है ना, तो ये 1 and 3, ठीक है, 1 3, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए परसेप्शन वेरी हो सकता है इन्फीरियर गुड का, किसके लिए क्या इन्फीरियर है क्या इन्फीरियर नहीं है, लेकिन इन जनरल डिमांड फॉर नॉर्मल गुड दैट इज राइस एंड वीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड दैट इज बाजरा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ गई तो आप अब बाजरा नहीं खाओगे, वीट खाओगे, राइस खाओगे। द डिमांड फॉर वेबलैंड गुड्स दैट इज लग्जरी कार्स ज्वेलरी जो शो ऑफ मैंने बताया था कल आपको, शो ऑफ के लिए यूज होता है, ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलो सही कर रहे हो फिर तो आप, वन ओनली ये सबको यही लगता है। चलो बोथ ठीक, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख, मैंने आपको कल क्या बताया, ये डिमांड कर रहा है, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर प्राइस चेंज होता है और उसके साथ डिमांड चेंज होता है तो यू आर मूविंग अलोंग द कर्व, मूविंग अलोंग द कर्व, ठीक है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो एक्सपांशन, अगर डिमांड घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इफ मूविंग अलोंग द कर्व मतलब सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है तो क्या हो रहा है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था, सपोज करो दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है, और प्राइस फैक्टर्स अदर देन प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर फैक्टर्स अदर देन प्राइस की बात करेंगे तो या तो हो सकता है कि इनकम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, अभी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो प्राइस सॉरी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर घट गई है तो डिमांड घट जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड एंड दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड, आई बात समझ में, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड, और एक्सपांशन ऑफ डिमांड इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अगर इस तरफ मूव कर रहे हो, इस तरफ मूव कर रहे हो एक्सपांशन, इस तरफ मूव कर रहे हो फैक्टर्स अदर देन प्राइस है तो कर्व शिफ्ट होता है, दिस इज शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, तो शिफ्ट में क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कर्व शिफ्ट हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड, दिस इज डिक्रीज इन डिमांड, समझ में आ गया, ये बना लो नोट्स में पहले, क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू
फैक्टर्स अदर देन प्राइस. आया समझ? हो गया. अब क्वेश्चन पढ़ो. अच्छा कर लो, लिख सही से बना लेना. With respect to price, with respect. आ गया समझ? क्या समझ में आया आपको? डिमांड अगर प्राइस के साथ चेंज हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपांशन है. डिमांड अगर अदर देन प्राइस चेंज हो रहा है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज है. क्वेश्चन पढ़ो. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? दोनों सही है. कहाँ है दोनों सही? क्या लिखा है? इफ डिमांड इंक्रीजेस, क्वेश्चन चलो पहला स्टेटमेंट, इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, इट इज नॉट इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपांशन है, प्राइस के फॉर्म में हो रहा है ना. यहाँ क्या देखा आपने? प्राइस के साथ चेंज हो रहा है, तो प्राइस के साथ चेंज हो रहा है तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और अगर अदर देन प्राइस है तो इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ा है, प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ा है, तो उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलते. इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो वो इंक्रीज है ना. आई बात समझ? नहीं समझ में आया? डिमांड बढ़ रहा है लेकिन किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, तो वो एक्सपांशन है क्योंकि यू आर मूविंग अलोंग द कर्व. डिमांड बढ़ रहा है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, कर्व शिफ्ट हो गया, कर्व शिफ्ट हो गया, इंक्रीज इन डिमांड. क्या है आंसर? ठीक है, पढ़ लो एक्सप्लेनेशन भी जो बताया है. ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू पीरियड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. हाउएवर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस ड्यू टू राइज इन प्राइस. तो दोनों जगह क्या है? यहाँ पर फैक्टर प्राइस है, प्राइस की वजह से, और ये भी किसकी वजह से हो रहा है? फॉल इन प्राइस की वजह से. फॉल इन प्राइस की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्सपांशन ऑफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, इसी तरह स्टेटमेंट टू भी रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? अगर फैक्टर्स अदर देन प्राइस है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज चेंज इन इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, व्हाइल प्राइस फैक्टर इज कॉन्स्टेंट, इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू द rise in demand of product at a given price. आ गया समझ? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो आपने गलत कर दिया.
चलो ये तो सिंपल है, कर लोगे जल्दी बताओ। सिंपल, ये कल टैक्स बढ़ गया मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गया मतलब मार्जिन प्राइस जो प्रॉफिट का था वो घट गया, तो सप्लाई क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे। गुड, इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड दस रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ गुड्स ड्यू टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन। ये कल डिस्कस किया है ना, इसलिए ज्यादा सोल्यूशन पे टाइम नहीं लगा, जो गलत करोगे उसको डिटेल में समझेंगे। चलो, यूनिटरी मतलब सेम, जो जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उतना ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, वो यूनिटरी है। ठीक है, जो हाइपरबोला मैंने आपको बताया ना वही। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। कमोडिटीज लाइक मेडिसिन यूजुअली हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है वो मुझे क्या पता, अभी ये तो क्वेश्चन का टाइम है ना, तो आप बताओगे। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, जो हमने ये डिस्कस किया ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका जो ये ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है ना, इसी को बोलते हैं क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक, ये ऐसे होता है, देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे ये ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, है ना। यूनिटरी इलास्टिक ये जो है ना, इसका एरिया होता है, तो जितना एरिया इसका चेंज होगा सेम एरिया इसका भी चेंज होगा क्वांटिटी का। ग्राफ में मत जाओ, ठीक है, तो एरिया कॉन्स्टेंट होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो इसलिए इसको हाइपरबोला ये ग्राफ बन के आता है। वो अभी जाने दो, इतना डिटेल नहीं समझना है, अभी आपको सिर्फ इतना ये समझना है कि ये क्या कह रहे हैं, कमोडिटीज लाइक मेडिसिन की जो डिमांड कर्व बनेगा वो यूजुअली कैसा होगा, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। सोच के देखो ऐसा होगा या नहीं, और एसी का हाई इलास्टिक डिमांड, सोच के देखो ऐसा होगा या नहीं। ठीक, सोच लो, सब सोच लो, सबको अपना आंसर देना है, ठीक है, ऐसे नहीं डी 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 तो सबने डी दे दिया, आप सोचो अच्छे से आराम से, टाइम लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ही बार, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई करंट अफेयर नहीं ऐड होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, जो लॉ ऑफ डिमांड है वही है, जो लॉ ऑफ सप्लाई वही है, जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी का 10 साल पहले जो चीज़ें थी वही है, तो इसमें करंट अफेयर में कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये आपको रिवाइज करने का लास्ट एंड लास्ट चांस है, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है, अगर जैसे नेशनल इनकम है तो वो आप बजट में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे और करंट अफेयर्स ऐड होंगे, रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चंस लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि ये आपने टॉपिक खत्म, आज ये क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद इसमें मैंने वो भी ऐड कर दिए जो अभी पूछा गया यूपीएससी में, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया, कहानी हो गई खत्म, इसके बाद इस टॉपिक को देखना भी नहीं है, देखना नहीं है मतलब नोट्स देखना है लेकिन ये आएगा नहीं दोबारा। हो गया, अच्छा एसी लग्जरी गुड नहीं है आपके हिसाब से, है ठीक है, हो गया आंसर सबका। चलो मेडिसिन को छोड़ते हैं अभी फिलहाल, एसी की बात करते हैं, लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड है मतलब थोड़ा सा भी अगर इनकम चेंज हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड बढ़ेगी, मतलब हाईली इलास्टिक तो है, तो ये तो करेक्ट है, इसमें किसी को डाउट है, इस स्टेटमेंट में डाउट है आपको, नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ये मतलब होता है
कि जितनी प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है. तो मेडिसिन के साथ ऐसा करते हो क्या आप कि मेडिसिन की प्राइस 50% से रिड्यूस हो गई है तो डिमांड भी 50% से बढ़ गई, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, तो ऐसा नहीं होगा. तो ऐसा होगा तो सेकंड वाला करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डाउट है इसमें कुछ? मेडिसिन ऐसी चीज नहीं है ना जिसके लिए, मेडिसिन कैसी चीज है? प्राइस, प्राइस डिपेंडेंट नहीं है. कमोडिटीज लाइक मेडिसिन प्राइस डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, है ना. तो ये मोर इन इलास्टिक है. ये ज्यादा क्या है? इन इलास्टिक है. क्यों इन इलास्टिक है? क्योंकि प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसका. क्वांटिटी चाहिए तो चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. भाई बीमार नहीं हो तो पैरासिटामोल थोड़ी जमा करोगे घर में कि प्राइस घट गया है. नहीं ना, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा. मैंने वही बोला है ना, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट. नेसेसरी कमोडिटीज लाइक सॉल्ट, वेजिटेबल, मेडिसिन यूजुअली हैव इन इलास्टिक डिमांड. कमोडिटीज लाइक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा जनरली हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. कमोडिटीज लाइक एसी, डीवीडी प्लेयर हैव यूजुअली हाई इलास्टिक डिमांड. ठीक है, ये करो. लेट्स सी कितना समझे हो आप. ए आंसर आया सब आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो क्या, देखो क्या पूछ रहा है. डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होना चाहिए, तो प्राइस से तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता ही नहीं. सबसे आसान चीज तो ये हो गई. अदर देन प्राइस क्या पूछ रहा है? चलो थ्री नहीं है तो थ्री नहीं है, थ्री नहीं है तो आंसर ए हो गया. लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है. ये एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी ने किल किया है लास्ट एग्जाम में. तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट का बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड घट जाएगी, मतलब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो एक की जगह आप दूसरी चीज यूज कर सकते हो. तो अगर एक्स की डिमांड, एक प्रोडक्ट एक्स है एक प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. तो इसका मतलब इसकी डिमांड क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है. इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई है, मतलब इसकी डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है. और सॉरी, इसकी डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है. और डिमांड अगर इंक्रीज हुई है इसका क्या मतलब है? ये अगर पहले डिमांड कर्व ये था तो अब डिमांड कर्व शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा. इसी को इंक्रीज बोलते हैं ना. बाकी मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व तो एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये इंक्रीज हो गया है, ये अगर यहाँ आ जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? ये क्वेश्चन, ठीक है. इफ अ डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, इट इंप्लाइज दैट डिमांड हैज इंक्रीज ऑन द अकाउंट ऑफ फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर द गुड विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द, आ रहा है ना एक्सप्लेनेशन से. चलो ये क्वेश्चन करो विद रेफरेंस टू गिवन गुड्स. With reference to given goods, which of the following is correct? Its demand increases with decrease in price. B. Demand remains unchanged. नहीं, inferior goods है ना given goods, inferior quality of goods. यही है ना option?
नहीं नहीं यही है, ए बी सी डी में से एक सिलेक्ट करना है आपको। डी है, बी है, बी या सी में 50-50 कर लेते। क्या है, क्या है क्वेश्चन? सिंपल है, गिफन गुड्स कल हमने देखा था क्या, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। आंसर डी है, डी। बी कैसे है आंसर, क्या बोल रहे हो? विथ रेफरेंस टू गिफन गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट्स डिमांड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन प्राइस। नहीं, डिमांड इंक्रीज ही नहीं होगी पहली बात। इफ डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड विथ, इट्स डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों, इनकम बढ़ गई तो छोड़ दोगे ना भाई? इन्फीरियर क्वालिटी, कल तो मैंने कपड़े की एग्जाम्पल दी थी, सरोजनी का कपड़ा और सी पी का कपड़ा, अनचेंज क्यों होगा? अगर क्या पूछा है, देखो ना, इनकम इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज इन, हाँ कैसे अनचेंज होगी डिमांड? अनचेंज होगी नहीं ना, डिमांड पे फर्क पड़ेगा ना। क्या आंसर दे रहे हो, इन्होंने सही आंसर दिया डी, डिमांड फॉल्स विद फॉलिंग प्राइस, छोड़ दोगे आप? गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स वेयर द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट इज देयरफॉर नेगेटिव, एज अ रिजल्ट इट डिमांड्स फॉल विद फॉल इन इट्स। चलो ये करो, पीपीसी का क्वेश्चन, पीपीसी के एक दो क्वेश्चन और डालें इसमें शायद। आज आज भी रिवाइज कराया ना, कॉनकेव कब होगा, कॉन्वेक्स कब होगा, वही सी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फॉरगोन मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। तो जैसे हमने हमारी जो एग्जांपल थी उसमें क्या था कि एक एक्स्ट्रा क्लोथ की यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम कम से कम 10 यूनिट ऑफ फूड सेक्रीफाइस कर रहे थे, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी क्लास में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, लेस एंड लेस गुड विल बी फॉरगोन, बस इससे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं तुक्का उक्का नहीं करना है भाई, समझना है तुक्का, फिर एग्जाम में क्या करोगे, उसको बचा के रखो एग्जाम के लिए। देखो अगर लेस एंड लेस गुड इज फॉरगॉन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, ये क्वेश्चन है, इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है क्या? नहीं। किसी तरह का कोई रिसेशन आ रहा है क्या? नहीं। तो शिफ्ट तो होगा ही नहीं, शिफ्ट होगा क्या? शिफ्ट कब होगा? अरे अभी तो आपने देखा, या तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया या रिसोर्सेस बढ़ गए तो शिफ्ट होगा। या रिसोर्सेस बढ़ थोड़ी रहे, रिसोर्सेस तो कांस्टेंट है, एक गुड की जगह दूसरा गुड, ठीक है। तो जब रिसोर्सेस बढ़ नहीं रहे, रिसोर्सेस घट नहीं रहे, तो शिफ्ट तो होगा ही नहीं, तो ये शिफ्ट नहीं होगा, ये शिफ्ट नहीं होगा। अब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? नोट्स में कुछ नहीं है, नोट्स में क्या देख रहे हो? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये सारी चीजें डिस्कस की है, थोड़ा सा याद करने रिकॉल करने की कोशिश करोगे आंसर आ जाएगा, अभी आ जाएगा।
कॉनकेव होगा। कॉनकेव किसको बोलते हैं? ये है ना कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है। हम मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था वो कुछ ऐसी थी, ये फूड आइटम्स है, ये क्लोथ्स है, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो भी मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे ही हमने ग्राफ बनाया था। इसमें क्या कर रहे हैं हम, 10 यूनिट है मान लो, ये अभी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया। इसमें हमने क्या किया, इसके 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने के बाद ये 1 यूनिट जनरेट कर पाए। मतलब क्या है, मोर एंड मोर गुड इज फॉरगॉन। ये 5 प्रोडक्शन छोड़ के हमने इसका 1 का प्रोडक्शन किया है, यही है ना। ये पिछला प्रोडक्शन कितना था, 10 का, ये कितना प्रोडक्शन है, 5 का। तो इस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, 5। तब जाके कैसा बना, कॉनकेव। हमारे एग्जाम्पल में ये बना था ना कॉनकेव। यहाँ क्या बोल रहा है, लेस एंड लेस गुड इज फॉरगॉन, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये पहले 10 यूनिट था तो हम ये कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, अब ये हमने 9 यूनिट प्रोड्यूस किए, 9 यूनिट, तो उसके साथ ये हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। तो अब इस 5 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। यही क्वेश्चन है, लेस एंड लेस गुड इज फॉरगॉन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। 1 यूनिट सेक्रीफाइस करके आप यहाँ 5 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं होगा ना, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो क्या मतलब है, कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। नहीं समझ में आया, कंफ्यूज ही तो नहीं होना ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन विद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, वन गुड लेस एंड लेस अदर गुड इज फॉरवर्ड। समझ, भूलोगे तो नहीं ये सब। चलो ये करो, इलास्टिक डिमांड अकोमोडेटिव विद अ फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट्स। नोट्स देखने लगते हो, नोट्स में कुछ है ही नहीं। इतना सिंपल लूसिड क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। कमोडिटी विथ फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट है नहीं तो कैसा होगा, प्राइस चेंज होने से इफेक्ट पड़ेगा क्या, सोचो। मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, प्राइस चेंज होने से फर्क पड़ेगा क्या, अगर किसी कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अमित आईएएस ही ज्वाइन कर सकते हो, तो अमित आईएएस की फीस बढ़े या घटे, आपके पास क्या ऑप्शन है, अमित आईएएस ज्वाइन करना है। अरे तो लेस प्राइस इलास्टिसिटी हुआ ना, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्वांटिटी सेम है। इसका ग्राफ देखो कैसे आएगा ना, इसका डिमांड, इसका ये जो कर्व है डिमांड कर्व, ये ऐसा आएगा ना, प्राइस कुछ भी चेंज हो क्वांटिटी पे बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी पे इम्पैक्ट कम है, चेंज इन क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत कम है, प्राइस ज्यादा है क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं समझ में आया,
जल्दी समझा देता हूँ। देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, ये डिमांड कर्व है। प्राइस कितना चेंज हुआ उससे क्वांटिटी डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये तो हम समझ गए कि प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन अब ये समझना है कि अगर प्राइस 50% से रिड्यूस हुआ तो क्या डिमांड 50% से बढ़ी। प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये में आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 1000, ठीक है, प्राइस घट के हो गया 50 रुपये, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या ये घट के, हाँ ये बढ़ के, ये जैसे 100 से 50 हुआ तो ये बढ़ के क्या 1500 हो गया, है ना, सेम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, है ना। तो इससे हमने 3 चीजें डिराइव की या 4 चीजें डिराइव की। एक तो ये हो सकता है कि देखो ऐसा बन सकता है ये ग्राफ, ऐसे कैसे बन सकता है कि ये प्राइस है ना, ये प्राइस 10 रुपये से 100 रुपये हो गया और ये क्वांटिटी है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। प्राइस 10 रुपये से बढ़ के 100 रुपये हो गया, ज़्यादा इंक्रीज हुआ, प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, 10, 20, 30, 40, 50, क्या क्वांटिटी पे उतना इम्पैक्ट हुआ? नहीं हुआ, क्वांटिटी पे लेस इम्पैक्ट है, तो ये लेस इलास्टिक है। नहीं आया समझ में, ये लेस इलास्टिक है ना, लेस इलास्टिक इसलिए है कि प्राइस में चेंज का इम्पैक्ट क्वांटिटी पे उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। नहीं समझ में, प्राइस कितना चेंज हुआ है 10 रुपये से 100, ज्यादा चेंज हुआ है। क्वांटिटी कितना चेंज हुआ है 1 से 2, मतलब प्राइस 10 रुपये से 100 रुपये पहुंच गया लेकिन क्वांटिटी कितना पहुंचा 1 से 2, बस ये 2 यूनिट चेंज हुआ, ये 10 यूनिट चेंज हुआ, 10 यूनिट भी नहीं, 90 यूनिट चेंज हुआ, ये 90 यूनिट्स का चेंज है, ये 90 यूनिट्स का चेंज है प्राइस में। तो चेंज इन प्राइस कितना है 90 यूनिट्स, चेंज इन डिमांड कितना है क्वांटिटी डिमांड ओनली 2 यूनिट भी नहीं, 1 यूनिट, 2 से 1, टू माइनस वन वन, 100 माइनस 10 90। प्राइस कितने यूनिट से चेंज हुआ 90 यूनिट से, डिमांड कितने यूनिट से चेंज हुआ 1 यूनिट से, तो डिमांड पे इम्पैक्ट कम पड़ा ना, कम पड़ा तो क्या हो गया ये लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, ये समझ में आ गया, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, एक ही चीज है। अब ये ग्राफ देखो, ठीक है, ये जब प्राइस 5 रुपये है तो ये क्वांटिटी है, और प्राइस जब, अरे ठीक है ये टच नहीं हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, टच नहीं होगा उस एक्सिस में, ठीक है। तो ये क्वांटिटी मान लो है ये 1 यूनिट और ये क्वांटिटी हो गई 100 यूनिट, ठीक है। अब देखो फर्क, ये क्वांटिटी डिमांड ये है ना, क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है, चेंज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये कितना हो गया 99 यूनिट्स का चेंज हो रहा है, और चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है 5 यूनिट्स। तो प्राइस में चेंज कितना हुआ 5 यूनिट्स का, लेकिन क्वांटिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ा 99 यूनिट्स का, डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट है ना, कम प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तो इसमें क्या है, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, दिस इज हाईली इलास्टिक,
उसी को इलास्टिक बोलेंगे। आया समझ? नहीं आया? लिख लो चाहिए तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो उसको। मतलब अब तो समझ में आ गया होगा ना, तो लिख लो अगर कंफ्यूजन है किसी तरह का इसमें। आ गया समझ? ग्राफ में सारा आंसर है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब मुझे बताओ, मैंने ये बनाया, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। इसमें क्या वैरी हो रहा है, प्राइस या क्वांटिटी? प्राइस फिक्स है, ये प्राइस है 100 रुपए, ये फिक्स है ना, तो वैरी क्या हो रहा है, इसमें क्या वैरी हो रहा है? ये क्वांटिटी है। अरे यार, क्या करना है? अच्छा अच्छा ये ऐसे है, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज हो रही है। क्वांटिटी चेंज होती है तो क्या होता है, इलास्टिक। क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो ये क्या है, इन इलास्टिक। और कैसा इन इलास्टिक? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्यों परफेक्टली इन इलास्टिक? परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्योंकि प्राइस का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। प्राइस 10 रुपए 20 30 40 50 60 70 80 कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये कैसा है, प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा लेकिन क्वांटिटी चेंज होते जा रही है। कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड चेंज होता है तो क्या होता है, इलास्टिक होता है। प्राइस बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहा और डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, हाईली इलास्टिक। डिमांड चेंज हो रहा है तो इलास्टिक, डिमांड नहीं चेंज हो रहा है तो इन इलास्टिक। ठीक है, क्लियर है, आ गया पूरा समझ में? ठीक है, तो बोलोगे नहीं समझ में आया तो फिर होगा ना। अब अकोमोडिटी विद फ्यूअर और नो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, लेना ही है ना, कमोडिटी लेना ही है ना, तो फिर प्राइस कितनी भी रहे कमोडिटी की उतनी डिमांड रहेगी रहेगी। क्या होगा ये, प्लस प्राइस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना, प्राइस का इंपैक्ट पड़ेगा तो हाईली इलास्टिक, प्राइस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद अ लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट इट लाइकली टू बी मोर। कब डिमांड बढ़ेगा, जब सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड कमोडिटीज विद फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट हैव less price elasticity of demand. Last question.
सप्लाई बढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज सब्सिडी, सब्सिडी मिलेगी मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, इंप्रूव टेक्नोलॉजी तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन घटेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी तो क्या होगा, मार्जिन बढ़ेगा मतलब सप्लाई बढ़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज, इससे क्या होगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आप एक फिक्स मिनिमम वेज देना ही है, उससे कम नहीं दे सकते, और वेज किस पे काम करता है, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा ना, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था, फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और बहुत सारी चीजें, ठीक है, अब इसमें लेबर है तो इसका मतलब अब लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी मिनिमम वेज इंप्लीमेंट होने से, मिनिमम वेज होने से लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी मतलब इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया, मतलब मार्जिन कम हो गया, मार्जिन कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगी, ये दोनों केस में सप्लाई बढ़ रही है, वही तो समझा रहा हूँ, देखो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, लेबर पर, अब मिनिमम वेज आ गया मतलब लेबर की कॉस्ट बढ़ गई ना, मिनिमम वेज आ गया 5000 रुपए का, तो आप किसी को 4000 सैलरी पे नहीं रख सकते, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सप्लाई को कम कर दोगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनके ऊपर, ठीक है, वाइल इंक्रीज सब्सिडी इंप्रूव टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेस प्रॉफिट मार्जिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज कैन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट्स द फर्स्ट टू कैन इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स, अब ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन हो गए, ये दो क्वेश्चन कुछ यूपीएससी के पूछे हुए, तो ये आप करोगे, आराम से करो, क्वेश्चन समझो, देखो आपने क्या सीखा है उसको रिकॉल करो, इधर अप्लाई करो और आंसर करो, ओहो ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है बी तो यही रहेगा, इसमें कर लो
हो गया, आ गया सबका, आ गया। क्या है आपका ए? हो गया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बताओगे क्या है आंसर। वन एंड फोर। चलो, डिमांड फॉर गुड इंक्रीज होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड कम हो गई है। सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड कम हुई है मतलब हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज होना है, तो पहला तो सही। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ गया है मतलब डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड घट गया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक साथ यूज होता है मतलब हमारे प्रोडक्ट का भी डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिमांड इंक्रीज होना चाहिए, ये नहीं है। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ती है तो इंफीरियर गुड का डिमांड घटता है। यहाँ क्या बोल रहा है, डिमांड इंक्रीज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। और प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये आंसर है, ये यूपीएससी में पूछा है 2021 में, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है। हो जाएगा ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, डिफिकल्ट हम बना देते हैं, जैसे अभी आप लोग बना रहे थे ना इसको डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बनाना नहीं है, क्वेश्चन है सिंपल, आप उसको डिफिकल्ट बना रहे हो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है। किया था ना हमने कल, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो फ्री में मिल रही है मतलब उसकी कॉस्ट कोई और बॉन्ड कर रहा है, और कौन बॉन्ड कर रहा है, टैक्स पेयर, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स पेयर। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, ऐसा तो है ही नहीं, इग्नोर भी नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन पर चले गई है, वो इस कॉस्ट को बेयर कर रहे हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने पास से नहीं कर रही ना, टैक्स पेयर से, ठीक है। तो आंसर सी, ये कुछ क्वेश्चन थे जो माइक्रो इकोनॉमिक के बेस पर थे, ठीक थे। तो पहले पढ़ना है फिर क्वेश्चन करना है ना। एलपीजी रिफॉर्म के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं आज, कि आप एक बार देख लोगे, ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि किस तरह क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पर हमने किया, इसी तरह एलपीजी रिफॉर्म पे भी करेंगे, तो अच्छे से पढ़ के आना एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है, कल होपफुली कल करेंगे। हाँ, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पढ़ने के लिए पहले आपको नेशन में क्या क्या है वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो नेशन में क्या क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं कुछ चीज़ें आज डिक्टेट कर दूंगा, फिर कल मैं आपको जैसे इसकी नोट्स मिली है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वैसे मिल जाएगी, ठीक है। आज कुछ चीज़ें लिख लेना थोड़ा सा। तो देखो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन बेसिकली चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है, कैपिटल को के से क्यों लिखते हैं, सी से क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये जनरली पहले ये जो ग्रीक में ओरिजिन हुई है ये सारी चीज़ें, और ग्रीक में के नहीं होता, सी नहीं होता, के होता है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल को के से, और
हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, फिर हम ग्रीक क्यों फॉलो कर रहे, हमारे यहाँ तो सी है ना, तो हमारे यहाँ सी जो है ये कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कंजम्पशन के लिए हम सी को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम कैपिटल के लिए के का यूज़ करेंगे, ठीक है, डाउट क्लियर। तो अब ये होता क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये है क्या चारों चीज़ें। तो इकोनॉमी में देखो क्या क्या होता है पहले, है ना, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में क्या है, सारे इंडिविजुअल आ गए, इंडिविजुअल, फैमिली, ये सब कौन है, हाउस होल्ड है। एक होता है फॉर्म्स, फॉर्म्स कौन है, कंपनीज, एंटरप्राइजेस, ये क्या है, फॉर्म्स हैं, कोई भी प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली बैंक्स, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एटसेट्रा, जो आपने पढ़ा है, मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। दूसरा इसमें गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में। अब इनका रिलेशन देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ हाउस होल्ड, अभी हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जैसे अमित सर हैं, तो अमित सर इस एंटरप्राइज के एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जैसे जगह ली उन्होंने, है ना, लेबर लिया उन्होंने, कैपिटल लगाया उन्होंने, तो प्रॉफिट उनका, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट, क्या मिलता है, प्रॉफिट। जैसे ये जो हमने पढ़ा ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो लैंड के बदले में क्या, अगर मान लो जिसने भी ये लैंड रेंट पे दिया है, तो उसको क्या मिल रहा है, रेंट मिलेगा ना, प्रॉफिट तो अमित सर लेंगे ना, जिसका क्लासरूम है, जिसने ये जगह रेंट पे दी हुई है, उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, तो इसके बदले में क्या मिलता है, रेंट। लेबर के बदले में क्या मिलता है, वेज, लेबर को क्या मिलेगा, वेज। जिसने पैसा लगाया है, उसको अपने पैसे पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जो ये सारी चीजें कर रहा है, उसको क्या मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं, इन चीजों को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इन चीजों को हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, आई बात समझ में। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए ये चीजें जरूरी है, ठीक है, तो ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में ये चीजें मिलती हैं, तो ये है फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, पेमेंट है, ये भी एक। लेबर के बदले में वेज मिलता है, ये भी एक पेमेंट है, ये भी एक पेमेंट है, ये भी एक पेमेंट है, तो ये हो गया फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब ये जो चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये कहाँ से आएगा, कौन देता है, भाई जिसने ये जमीन दी हुई है ना, जिसने ये प्रीमाइसिस दिया हुआ है, वो एक हाउस होल्ड है इकोनॉमी में, इकोनॉमी वो एक हाउस होल्ड ही है ना, किसी फर्म ने तो नहीं दिया है ना, तो इकोनॉमी में कौन है, हाउस होल्ड, और ये चीज किसने दी, हाउस होल्ड है, ठीक है। लेबर क्या है, हाउस होल्ड है अगेन इकोनॉमी में, क्या लिख दिया, ठीक है, तो ये कौन दे रहा है, हाउस होल्ड, ये कौन दे रहा है, हाउस होल्ड, ये कौन दे रहा है, हाउस होल्ड, पैसा कौन दे रहा है, हाउस होल्ड, ये कौन है, हाउस होल्ड, अमित सर क्या है, हाउस होल्ड, तो ये सब क्या हो गया, हाउस होल्ड, तो ये सारी चीजें कौन देता है फॉर्म को, तो हाउस होल्ड फॉर्म को क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड,
लेबर और इंटरप्रीनियोरशिप बोलो या एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, एक ही बात है, जो बोलना है बोलो, एग्जाम लिखने का है, ठीक है। इसके बदले में क्या मिल रहा है? लैंड के बदले में रेंट। कौन दे रहा है? फॉर्म दे रही है ना, जिस जो फॉर्म, ये प्रोडक्शन यूनिट ये दे रही है ना, तो ये क्या दे रहा है? फैक्टर पेमेंट। क्या फैक्टर पेमेंट? क्या रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। भाई ये कौन ले रहा है? हाउसहोल्ड ही ले रहा है ना। रेंट एक हाउसहोल्ड ले रहा है, वेज एक हाउसहोल्ड ले रहा है, इंटरेस्ट एक हाउसहोल्ड ले रहा है, प्रॉफिट एक हाउसहोल्ड ले रहा है। तो हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स इन रिटर्न क्या देते हैं? फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब फर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करता है? हाउसहोल्ड्स। भाई आप हाउसहोल्ड्स हो, ये सर्विस मिल रही है आपको, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो फर्म्स हाउसहोल्ड को क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले में हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देते हैं? एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, जो आप कंज्यूम कर रहे हो। भाई आप एजुकेशन सर्विस ले रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो कि बेटरमेंट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तो आप कंजम्पशन कर रहे हो, इसके लिए आपने कुछ फीस दी है, वो आपका एक्सपेंडिचर है ऑन योर कंजम्पशन। उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। परफेक्ट। ये लिख लो, लिख लो पहले ये वाला लिख लो, है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एनबीएफसीज एटसेट्रा, और ये है गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, लिख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। या एक काम करो, इतना लिख दो, उसके बाद ही मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ आपको, है ना। इधर लिख लेना, यहाँ पे मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मेजर सेक्टर्स ऑफ एंड लिख लिया, हेडिंग लिखो हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड्स क्या, कौन कौन होते हैं हाउसहोल्ड्स, है ना। दो तीन सबके बारे में दो दो लाइन लिखना है बस, ज्यादा नहीं लिखना है ना। हाउसहोल्ड इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी, कौन है हाउसहोल्ड्स? इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी हु परचेज, हु परचेज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस। इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी हु परचेज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस। देखो, अच्छा, हु परचेज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस। देखो,
क्या कर रहे हैं हम, ये गुड्स एंड सर्विसेज है ना, इसको हमने क्या किया अभी, क्या बोला मैंने, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम बोल देते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक होगा कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, इसके साथ एक और हो सकता है इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है ये, मैंने कार खरीदी अपने लिए, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सेल्फ मैंने कार खरीदी और ओला चलाता हूँ, उससे क्या कर रहा हूँ, मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ और इनकम अर्न कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इससे आपको क्या सर्विस मिल रही है, एजुकेशन की। तो ये बोर्ड अगर मैंने अपने घर में लगाया होता तो ये बोर्ड क्या होता, कंज्यूमर गुड। लेकिन अब ये बोर्ड से मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया कैपिटल गुड। समझ में आ गया, तो कार बीइंग यूज्ड एज टैक्सी, ठीक है, ये पेन, ये सब कुछ, ठीक। इंटरमीडिएटरी गुड्स, टी की एग्जांपल ले लो, टी के लिए क्या है, टी क्या है, फाइनल गुड है ना, और टी के लिए क्या यूज हो रहा है, शुगर, मिल्क, टी पाउडर, फ्यूल यूज हो रहा है ना, वो गैस कुछ भी है ना, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो कंज्यूमर, जो हाउस होल्ड हमने डिस्कस किया, वो किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, इसके लिए, इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड होते हैं वो ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। क्या लिखा आपने, इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी हु परचेज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ब्रैकेट में लिख लो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फॉर फाइनल सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, ऑल those goods and services which are for final satisfaction of people. Next line में लिखो households के ही बारे में लिख रहे हैं अभी हम, households have ownership rights, households have ownership rights of Households have ownership rights of all primary factors of production. All primary factors of production. क्या होता है primary factor of production? अभी discuss किया. Land, labor, capital or entrepreneurship. तो फिर secondary क्या होता है? उसमें ही मत लिख देना, ठीक है, या तो ब्रैकेट बना के लिख लेना। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल और ओनरशिप से सब प्रोडक्शन हो जाएगा, रॉ मटेरियल चाहिए ना, बिना रॉ मटेरियल के होगा नहीं, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसकी ओनरशिप हाउस होल्ड के पास नहीं है, फॉर्म्स ही है ना जो सप्लाई करेंगे। भाई अगर कोयला चाहिए आपको तो कोयला कहाँ से मिलेगा, फॉर्म होगी, गवर्नमेंट की कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड एक्सट्रैक्ट करती है, वो हाउस होल्ड तो नहीं है ना, हम उसके ओनरशिप राइट्स हमारे पास तो नहीं है ना, बस वही है, ठीक है, लिख लिया। ये सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो फॉर्म्स, हाउस होल्ड हो गया, फॉर्म्स, हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच का रिलेशनशिप समझ में आया आपको, बना लो, लेकिन पहले लिख लो ना फॉर्म्स है क्या, उसके बाद डायग्राम बना लेना। फॉर्म्स लिख लो, क्या है फॉर्म्स,
ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विच यूज, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विच यूज सर्विसेस ऑफ हाउसहोल्ड्स, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विच यूज सर्विसेस ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड कंबाइन देम विथ रॉ मटेरियल्स, एंड कंबाइन देम विथ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस, टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस एंड कैपिटल गुड्स दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं इस पे, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बैंक्स भी क्या हो गई, एक फॉर्म्स ही है बैंक्स. ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट है तो वो फॉर्म ही ना, बैंक्स हो गई, अमित आईएएस है, ये सब क्या है, फॉर्म्स है. अब ये डायग्राम बना लो, हाँ, कंपनीज, एस्टैब्लिशमेंट्स, एंटरप्राइजेस, कुछ भी वर्ड यूज करो उसके लिए आप. हाँ, ये ना, बना लो इसको, दोनों के बीच का रिलेशन हो गया, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो. ये सर्कुलर फ्लो है, देखो ये ऐसे सर्कल कंप्लीट हो गया ना, ये इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो. ठीक है, ये बहुत सारे सेक्टर का होता है, ये टू सेक्टर है, थ्री सेक्टर का भी बन जाएगा, फोर सेक्टर का भी बन जाएगा, सर्कुलर. बस सर्कुलर फ्लो लिखो अभी इकोनॉमी में, फिर ये इनकम का भी होता है, ये एक्सपेंडिचर का भी होता है. ठीक है, ये टू सेक्टर है, थ्री सेक्टर भी बना सकते हैं अभी.